वो भी शुएब सर, डॉक्टर आई एम फारूकी सर, मेरे अब्बा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाकिर सर जो जैद के अब्बा हैं, यहाँ पे आए हुए तमाम पेरेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हुआ था कि आप सब लोगों से मिलकर बात करनी है, कुछ जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, कुछ जो बातें मैंने सीखी है वो आप लोगों से शेयर करनी है। मैंने सोचा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताओ, कैसे बात करो। लेकिन आज जब ये बुकलेट मैं देख रहा था, 12 अक्टूबर 2012 को उस कोने में मैं खड़ा था। उससे पहले मुझे यूपीएससी का नाम भी नहीं पता, मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी किस तरह से किया जाता है और यूपीएससी कैसे करते हैं। लेकिन 2012 के उस अक्टूबर की 12 तारीख को उस कोने में खड़े होकर मैंने जो एक बार एक सेशन में पार्टिसिपेट किया था, उस सेशन में मुझे क्लिक हुआ था कि यार बाहर तो बहुत मेहनत है, आप लोग भी जानते हैं, बाहर तो बहुत मेहनत है और बहुत स्ट्रगल है छोटी छोटी चीजों के लिए। बस मेरे को इतनी बात समझ में आई थी यहाँ सेशन में कि एक एग्जाम है जो अगर क्वालिफाई कर लो तो गाड़ी, बंगला, नौकर सब मिल जाता है, है ना। मुझे क्योंकि समझ नहीं थी, इतनी ही चीज मुझे समझ गई कि एटलीस्ट कोई ऐसा एग्जाम है इंडिया में। देखो क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, यूपीएससी चेयरमैन की एक बार मैं बात सुन रहा था तो उन्होंने बताया था कि यूपीएससी में ज्यादातर कैसे लोग आ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह में, क्योंकि देखो ये एग्जाम सिलेक्शन का एग्जाम कम है, ये एलिमिनेशन का एग्जाम ज्यादा है। लेकिन ऐसे इस इतनी रिगरस कॉम्पिटिशन के बावजूद इसमें लोग क्यों आना चाहते हैं, और कैसे लोग आते हैं? एक तो ऐसे लोग आते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, ऐसे एस्पिरेशन रखते हैं कि उनको कंट्री में कुछ नाम कमाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो रास्ते हैं, अगर हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करना है आपको तो दो रास्ते हैं, एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है सिविल सर्विसेज। पॉलिटिक्स बहुत कॉस्टली अफेयर है ना, प्रैक्टिकली अगर हम सोचा जाए तो हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने नहीं होते, हमारे जो है तो फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं होते कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करके हम वहां पे कोई अच्छा सा करियर बना सके। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर भी आप करियर बना सकते हो, ठीक है, वो भी आपके पास में ऑप्शन खुला है, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स मोर रिस्की अफेयर। दूसरा हमारे पास रास्ता बचता है वो है सिविल सर्विसेज। वो यूपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया था कि एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज, देखो अगर पैसे कमाना होते तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत अच्छा पैसे कमा सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपए की सैलरी है, जो भी है वो उतनी सैलरी में आप सिर्फ अपना घर चला सकते हो, ठीक है। उतने एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं तो उसके हिसाब से सिर्फ आप अपना घर चला सकते हो या अपना नॉर्मली जिंदगी रेस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हो फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर इज द बेस्ट प्लेस टू गो, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली यहां आते हैं, हमारी सोशल जो स्टेटस है उसको अपग्रेड करने। ये एग्जाम से क्या अचीव करते हैं, ये एग्जाम से आप अपनी फैमिली को इस सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे लाकर खड़े करते हो, ठीक है। आपके घर के बच्चे को वो इज्जत मिलती है, वो रिकग्निशन मिलता है, वो जो है तो
एक आप है ना, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आप तालुका प्लेस पर रहते हो तो आपका एक नाम जो है वो इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है, समझा जाता है आपकी फैमिली, आपके तालुका लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो हम एक्चुअली इसमें इतनी मेहनत करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हम पसंद, हम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा हिडन और रियल एस्पिरेशन होता है वो हमको इज्जत चाहिए। क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, ठीक है, इज्जत चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। रिकग्निशन के बाद में हमारी बात को कोई सुने, ठीक है, हमको कोई अच्छा काम करने को मौका मिले, हमको कोई गरीबों की खिदमत करने का मौका मिले। मुझे लगता है कि मेजर रीजन, जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट यूपीएससी में आते हैं, उनका रीजन ये होता है कि उनको रिकग्निशन मिले, उनको इज्जत मिले, और वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, ठीक है, कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। इसीलिए ये काम जो है थोड़ा सा, ठीक है, प्रिपरेशन, कंपटीशन और उससे बढ़ के ये काम जो है ये एक जिद का काम बन जाता है। ये काम, ठीक है, ये कोई एग्जाम नहीं बन जाता, एक छोटा सा एग्जाम नहीं होता जिसमें एक अकेला बच्चा बैठ रहा है और अकेला बच्चा पास होगा तो अकेला बच्चा पास होगा, अकेला बच्चा फेल हो रहा है तो अकेला बच्चा फेल हो रहा है। मेरी समझ जहां तक जाती है कि ये एग्जाम से बढ़कर चीज है, एग्जाम से बढ़कर चीज है। तो इसको मुझे लगता है जो भी अपने अंदर कहीं ना कहीं, देखो आज इतवार का दिन है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आप इतने लोग सारे काम को छोड़ के, और मेजॉरिटी में देख रहा हूं इसमें नौजवान लड़के और लड़कियां, अगर आप इतने सारे कामों को छोड़ के यहां तक आए हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं सपना होगा कि मेरे अब्बा को भी वही इज्जत मिले जो आज शेख सलमान के और जैद के अब्बा को यहां मिले। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मेरे फैमिली को भी वही रिकग्निशन मिले या मेरा भी नाम, ठीक है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिस तरीके से 2012 में मैं वहां बैठा था और आज जो है मैं स्टेज के इस साइड में हूं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सपना ऐसा पल रहा होगा कि मुझे भी ऐसी ही कोई चीज हासिल करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। देखो मैं एक बात पहले आपको बताता हूं कि नेचर में हमारे पास में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनसे हम सीखते हैं। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दो चीजों को चुनता हूं, एक है लायन और एक है ईगल। दोनों अपनी अपनी फील्ड में किंग है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में किंग है, ठीक है, लेकिन दोनों किंग ना ही तो अपनी साइज से बनते हैं। क्या लायन सबसे बड़ा जानवर है? क्या लायन सबसे ज्यादा वेट रखने वाला जानवर है? क्या लायन के पास में सबसे ज्यादा ताकत है? अगर आप उसे हाथी से, अगर आप उसे दूसरे जानवर से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे टॉलेस्ट जो जानवर है वो जिराफ है। क्या है? ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल है वो एलिफेंट है। सबसे हेवीएस्ट जो एनिमल्स है उसमें राइनोस और दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लायन को जंगल का बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या रीजन होगा इसका कि लायन को बादशाह कहा जाता है और जब लायन जो है तो हाथी के पीछे लगता है तो हाथी भी भागता है? तो जो मेजर रीजन है दोस्तों, यहां से आप अगर उठ के जाएंगे तो एटलीस्ट मेरी इतनी बात समझ के जाना, ठीक है, कि मेजर रीजन है एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। लायन का जो एटीट्यूड है वो जब एलिफेंट को देखता है, हिप्पो को देखता है, राइनो को देखता है, तो वो सिर्फ इतना देखता है कि दिस इज फूड, दिस इज, ये लंच है, ये डिनर है, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट है। क्या देखता है? सिर्फ इतना देखता है कि ये फूड है मेरा। क्या है? फूड है। और जब हाथी शेर को देखता है तो हाथी क्या सोचता है? ईटर। लायन कौन है? ईटर। तो एटीट्यूड इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ। तो लायन का बिलीफ है कि एवरीथिंग इन द जंगल इज अ फूड, एवरीथिंग इन द जंगल इज अ
फूड, और दूसरे जानवरों का बिलीफ है कि लायन इज अ ईटर। हमको निकालने वाले थे दूसरे दिन हजौ से, ठीक है, तो हजौ से निकालने वाले थे, तो मेरी ट्रेन जो है वो औरंगाबाद जाने वाली है, ठीक है, हमारी जर्नी जो है वो पीछे शुरू होने वाली है और इनकी जो है तो आगे शुरू होने वाली है। देखो जैद को भी आज याद होगा, मैंने वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े रो दिया था, मुझे बहुत फील हो रहा था, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मरीन ड्राइव पे नहीं घूमना चाहिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार यहाँ पे ना टाइम पास नहीं करना चाहिए, या तब मुझे रियलाइज हुआ कि एमएससी और यूपीएससी दो नौ में एक साथ सवार नहीं होना चाहिए था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्लास में बैठ के नोट्स मैंने भी बना लेना चाहिए था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार लाइब्रेरी में बैठ के कुछ अच्छा वक्त, मतलब अच्छा नहीं पूरा वक्त लाइब्रेरी में गुजार लेना चाहिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सादिक बागवान सर कहा करते थे कि लाइब्रेरी को आपका घर बनाओ और आपके रूम को आपका लॉज बनाओ, ठीक है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये काम कर लेना चाहिए था, ये काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो जो बोझ मैं सह रहा था, घर से थोड़े पैसे मिलते थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट था, मास्टर्स के सेकेंड ईयर में था, ठीक है, दोस्त शादी वादी कर रहे थे, कमा के घर पे दे रहे थे, ठीक है, और अपन जो है तो मतलब अपना पूरा भी बोझ अपन घर पे ही थे, ठीक है, तो एक फील होता था, और बहुत वो डीप फील होता है उस टाइम पे, जो फील होता है ना, ठीक है, वो मतलब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हो, ठीक है, और उस टाइम पे आपको महसूस होता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि खुद गलती करके सीखो, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को भी ये गलतियां रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे आया, आजाद कॉलेज के सामने लॉरियट एकेडमी खोल दी, 11 12 का ट्यूशन क्लास, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के रात में काम करने लगा लॉरियट एकेडमी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने वहां पर भी जो है तो जुगाड़ करके या कैसे भी मतलब जो है तो मेहनत करके 30-40 स्टूडेंट जमा कर लिए, और वहां पर भी अच्छे खासे लोग मेरे साथ में कोऑपरेट करने लगे, मतलब आजाद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल वगैरह के बेटे वगैरह के, हमने मतलब 3-4 का ग्रुप बना के एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और फिर वही बात आ गई 2012 में जो करी थी, 2015 में वो फिर से रिपीट हो गई, ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, 2015 में वो फिर से रिपीट हुई कि सलमान अगर कोचिंग क्लास में करेंगे तो कितने दिन करेंगे, और क्या इसीलिए जॉब छोड़ी थी 2012 में, ठीक है, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था हमदर्द स्टडी सर्कल में, मैंने उनको कंटिन्यूअस मेल लिखे, कहते हैं ना कि अगर कतरा कतरा पानी गिरता रहा तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से मैं उनको कंटिन्यू मेल भेजता था कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन अगर आप मुझे एक चांस देंगे तो मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे उनके पास से छोड़ के गए, तो उन्होंने बोला कि वेटिंग लिस्ट से आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाओ, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी दिन में मेरा सारा इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। मैंने एक बात सुनी थी, बहुत फिल्मी हो सकता है लेकिन माइंड भी मैं शेयर करता हूं, हो सकता है किसी ना किसी को उसको कोई ना कोई उसको रिलेट कर पाए। मैंने सुना था कि शाहरुख खान जब बंबई आया था तो उसने भी कुछ ना कुछ छोड़ के उधर उसका बंबई आया था, या जो है तो मुंबई, और उसके बाद में अमिताभ बच्चन जो आए थे वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जो है तो प्लेटफॉर्म पे सोए थे, या कैसे भी उनकी स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि अपन ने भी कुछ ना कुछ छोड़ के देखना चाहिए इस बार, ठीक है, हो सकता है अपनी नैया पार हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 20-21 हज़ार का इन्वेस्टमेंट 2015 में, ठीक है, जो मेरे अम्मी अब्बा ने दिया था वो वैसे ही छोड़ दिया। मैं बोला अगर ये मैंने छोड़ दिया ना तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि यार अपन कुछ छोड़ के आए हैं, इसलिए मैं बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं जो है तो अब परिवर्तन की राह पे निकल गया। अब यहाँ से मेरा, मैंने बहुत बार इससे पहले भी शेयर किया हूँ कि मेरा व्हाट्सएप स्टेटस और मेरी सारी चीजें होती थी परिवर्तन, मैं कभी कभी हाथ पे भी लिख लेता था परिवर्तन, या तो मैं जो है तो मेरी बुक में, ठीक है, हर जगह पे रूम में परिवर्तन लिख के लगा देता था। उसका मतलब ये था कि आज तक मैं अपने आप पे यकीन नहीं करता था, जहां से मैंने शुरू किया था अपनी स्पीच को कि यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, जो मेरे पास सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी कि शेख सलमान तू भी ऑफिसर या कुछ काबिल इंसान तो बन सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अपने आप पे बिलीफ रखना फिर शुरू किया। अब जो बोलेगा कि तू नहीं कर सकता है, कल से उसको दूर से ही सलाम दुआ, ठीक है, मिले तो मिले नहीं तो ठीक है, मैं और मेरी मंजिल के बीच में अब जो मुझसे मिलेगा या जो मेरे बीच में आएगा मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं वहां पे गया था, मैं फरवरी 21 फरवरी को मैं गया था
2016 में और मैंने जून में एग्जाम लिखा, तो 3-4 महीने में ही मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। पहले मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इस बार जो एम किया था वो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है यूपीएससी का वो 116, 107, 108 ऐसा होता है। लेकिन मैंने अभी तक क्या करता था, अपने टारगेट ही बहुत कम रखता था, ठीक है। तो मैंने क्या टारगेट रखा कि आप 140 लेके आऊंगा, क्योंकि आप पास नहीं होना है, अब इज्जत से पास होना है, ठीक है ना। अब क्या होना है, इज्जत से पास होना है। और हम एक दोस्तों में हम एक बात कहा करते थे कि यूपीएससी ने मुझे इतनी बार पटका है उठा के, ठीक है, मतलब पछाड़ा है मुझे कि अब मैं यूपीएससी को सर पे से उठा के पटकूंगा नीचे, ठीक है ना। क्योंकि एक मूवी आई थी दंगल, उस पे आमिर खान कहता है कि मेडल ना पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है मेहनत से, लगन से, मेहनत से, लगन से, कोशिश से, ठीक है, जब जाके मेडल बनते हैं। तो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि यार 140 का फॉर्मूला बता, क्योंकि मेरा मेरे को तू कुछ चीजें समझ गई थी, ठीक है। एक को समझा था कि पॉजिटिविटी और बिलीव इन योरसेल्फ इज द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड, ठीक है। सेकंड चीज, ठीक है, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। व्हेन यू हैव टारगेट कि मेरा टारगेट 140 है, ठीक है, या मेरा टारगेट आईएएस है, अब मैं इससे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप अगर मदद करना चाहते हो तो मदद करो, नहीं तो सवाल सलाम दुआ दूर से करो और छोड़ो, मेरे रास्ते से हटाओ, ठीक है। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने देखा कि मेरा जो टारगेट है 140 का है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हैं। मुझे पास नहीं होना है, इज्जत के साथ पास होना है, ठीक है। दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं था उतना, ठीक है, लेकिन मैं बार बार उसको एम्फसिस दिला दिला के अपने आप को यकीन दिला रहा था कि सलमान तू सिर्फ ब्लाइंडली यकीन रख, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और देखो मैंने 140 का टारगेट रखा था, 2016 में मेरे 135 मार्क्स आए, 135, ठीक है। जिन दोस्तों ने मुझे साथ में मिलकर पढ़ाया था, साथ में उनका ऑलरेडी पीटी क्वालिफाई हुआ था, उन लोगों से भी ज्यादा स्कोर आ चुका था। जस्ट मुझे उस दिन समझा कि यार अपने बिलीफ का, जो अपन रॉ बिलीफ अपने ऊपर रखते हैं, जो रॉ बिलीफ अपने माँ बाप अपने ऊपर रखते हैं, जो रॉ बिलीफ अपने टीचर अपने ऊपर रखते हैं, या जो रॉ बिलीफ अपने भाई बहन अपने ऊपर रखते हैं, उस बिलीफ में जादू है दोस्तों। बिलीफ, और जो बिलीफ होता है ना, बिलीफ इज अ मैजिक, बिलीफ इज अ मैजिक। अगर आपको कोई चीज यहां से उठा के लेके जानी है तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी बहुत बिजी है, माँ बाप कहीं बिजी है, हम कहीं बिजी है, भाई बहन कहीं बिजी है, दोस्त कहीं बिजी है, आपसे अपने आप से प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपसे अपने आप से रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है। तो टेक योर ओन कंट्रोल इन योर ओन हैंड, बी द बॉस ऑफ योर लाइफ, बी द बॉस ऑफ योर लाइफ एंड कंट्रोल योर लाइफ, ठीक है। और बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ और सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद में जो है तो मैंने फिर मेंस लिखा, मेंस लिखने के अब जब मैं 2016 में मेंस लिखने के बाद में मैं फेल हो गया, तो मैं सिर्फ 18 मार्क्स से फेल हुआ। अब 18 मार्क्स से फेल हो गया तो मुझे लगा कि यार यूपीएससी इतने मार्क्स देता है कि मैं सिर्फ 18 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं था कि मुझे इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा, उस दिन मुझे फील हुआ कि यार अपनी नाव डूबी हुई है, इसका मतलब सबकी भी डूबी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो पास हो रहा है वो भी मुझसे सिर्फ थोड़ा सा बेटर है, मुझसे सिर्फ थोड़ा सा बेटर है। 18 मार्क्स इट मीन्स के 3-4 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा और अच्छा कर लेना था, ठीक है। तो उस दिन मुझे यकीन आया कि नहीं यार, अपन औरंगाबाद से दिल्ली जाके वापस लाल बत्ती लेके आ सकते। तो मैंने जब मैं 2017 का प्रीलिम्स के लिए यहां से गया तो 1.5 साल के बाद में मैं औरंगाबाद वापस आया, मैं कभी घर नहीं आया, ठीक है। मैंने जो है तो शादियां छोड़ दी सारी, ठीक है, उसके बाद में जो है तो रिश्तेदारों के यहाँ जाना सब, मतलब सारी चीजें छोड़ दी, फोन नंबर बंद कर दिया, नया फोन नंबर ले लिया, सिर्फ घर पे दिया वो, ठीक है। उसके बाद में जो है तो हम वहां पे, बिलीव मी इट विल लुक बहुत चाइल्डिश लगेगा, ठीक है, हम टकला वगला कर लिया करते थे ताकि जो है तो इसमें बाल बाल जमाने में, ठीक है, टाइम पास ना हो, ठीक है। उसमें जो है तो फिर जो है तो हमने क्या कर लिया कि उसके बाद में जो परिवर्तन था वो अब महापरिवर्तन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि रिकॉग्निशन मिल गया ना ऑलरेडी मेंस में 18 मार्क्स, मतलब ठीक है, मुझे लग गया कि भाई अपने से हो सकता है अब,
ठीक है, अपने से हो सकता है। और उसी दिन मैंने मेरे एक दोस्त को बोला था नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक क्या था कि मेरी नैया बहुत डूबी हुई है और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। लेकिन जब लगा कि भाई 18 मार्क्स मेरे 18 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं बोला यार अगली बार तो अपन पक्का कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों मतलब बहुत ऐसे चाइल्डिश मेरा बिलीव नहीं था, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूं कि उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे बहुत मेहनत थी, उसके पीछे, ठीक है, सुबह से उठ के शाम तक मैं इतनी मेहनत करता था कि इतना सोचना पड़ता था, ठीक है, कि मुझे थिंकिंग की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से एसिडिटी हो जाती थी बार बार, ठीक है, क्योंकि रात में नींद नहीं आती थी, ठीक है। वो कहते थे ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे, ठीक है, बिलीव मी इट्स अ रियलिटी, ठीक है, बिलीव मी इट्स अ रियलिटी, ठीक है। और अगर आपकी नींद कम होगी तो आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, उसके बाद में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, दोस्तों के साथ में मिलजुल के पढ़ाई की, ठीक है। और उसके बाद में जो है तो 2017 का मैंने मेंस क्वालिफाई किया, 2017 का मेंस क्वालिफाई होने के बाद में, ठीक है, मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, जैद भाई ने वगैरह बहुत सारा हमारा दोस्त है, नू भाई वो सब लोगों ने मिलकर बहुत मदद की, ठीक है। नू भाई और मैं रूम पार्टनर है दोनों IRS है, जैद भाई और हारिस भाई दोनों रूम पार्टनर है, दोनों IPS है, ठीक है। तो आपको एक मैसेज तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है, हम दोनों 2014 में साथ में थे अपने हज हाउस में, ठीक है, कि आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होना चाहिए जो आपका बिलीफ है, जहां पे आपको जाना है, जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है, वैसा ही आपको जो है तो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, और एक कहता हूं, झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना, कि आप जो है तो पकड़ो अपने एम को, उसके पीछे लग जाओ, गिरो संभलो फिर गिरो फिर संभलो, लेकिन लगे रहो, ठीक है, आपके खून को गर्म रखने का या आपके जो सपने पे जाने का ये एक ही तरीका है, ठीक है, आपके सपने को अचीव करने का, ठीक है, वो आपको करना होगा। उसके बाद में जो है तो मैंने मेंस क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई करने के बाद में जो है तो इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू पूरा दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद में जब मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर आ रहा था तो मैं जोर से भागते हुए आया और मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके मैं गले मिला और सिर्फ इतना कहा हो गया, ठीक है। उसी दिन मैंने फेसबुक पे मेरा ट्रांसक्रिप्ट शेयर कराया कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आप देख लेना, उसमें मैंने लास्ट में लिखा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव एंजॉयड इट, बिलीव मी आई हैव एंजॉयड इट। इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं जो कड़ी मेहनत की गई थी, ठीक है, जो मेहनत सही डायरेक्शन में की गई थी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी एक उम्मीद थी, लेकिन डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में तो आप लोगों ने देखा है कि मेरे साथ में तो मेरा पूरा शहर ही पास हो गया था, मतलब हम दोनों के साथ में, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट के बाद में इतनी सारी चीजें हुई है, ठीक है, जिसमें मैं आपको वर्ड्स में कभी भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या मैंने अचीव किया है या मुझे कैसे ये चीज मिल गई। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ में मेरे माँ बाप की दुआएं होंगी, ठीक है, या किसी और लोगों की दुआएं होंगी जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक ला लिया है, ठीक है। क्योंकि मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको अच्छे काम भी करते रहना है, ठीक है, अच्छा कैरेक्टर रखना है, अच्छा बिलीफ रखना है, ठीक है, और इसी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी तरीके से मेरा सफर रहा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, प्रोग्राम्स में जो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, आपको मिलते हैं और आपको मिलने के बाद में जो है तो, ठीक है, उनका दूसरे दिन से पढ़ाई का तौर तरीका बदल जाता है। कौन सी चीज आपको ये इतनी इज्जत दी? प्रोग्राम्स में या कहीं पर भी मैं किसी बच्चे को मिलता हूं, मेरे मोहल्ले में, ठीक है, मली लाल पार्टी पे, ठीक है, आज तक बच्चे जो है तो सही से पढ़ते नहीं थे, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है तो साइकिल पे, ठीक है, उजड़ने लेके घूम रहे। और परसों एक इंसिडेंट हुआ, दो तीन कुछ दिन पहले, कि मैं ना वहां पे खड़ा था, कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। एक कहावत आपने सुनी होगी, तू बहुत इतरा रहा, क्या कलेक्टर बनता क्या करते,
तो वो कलेक्टर है या तू, ठीक है। तो एक बच्चे बातें कर रहे थे वहां पे, तो बच्चे बातों बातों में बोले, क्या बोले, वो शाइनिंग मान रहा क्या तू, और फिर खामोश हो क्योंकि मैं बात करा। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है अब उसको भी मालूम है कि ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये काम इम्पॉसिबल नहीं है। देखो आप लोग, इंसान जो है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले मुझे लग रहा है मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले जमाने में 17 साल में लोग बादशाह बन जाते थे, क्या हमको 15-20 किताबें नहीं पढ़ सकते क्या हम, ठीक है, 19-20 साल 25 साल की एज है हमारी, ठीक है, उसमें क्या 15-20 किताबें नहीं पढ़ सकते क्या अपन, पढ़ सकते ना, इट्स पॉसिबल ना, तो कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे, बाद में दर बदर फिरना पड़ेगा। ये सोसाइटी, ये मार्केट बहुत रूथलेस है, ठीक है, कभी रहम नहीं करेगा आप पे, ठीक है। तो आप जो है तो अपना कुछ अच्छे से करियर सेट कर लो, फ्यूचर प्रेडिक्ट करो कि आप अपने आप को 2020 में, 2022 में, 2025 में कहां देखना चाहते हो। आज यहां से जाने से पहले डिसाइड करो कि 2025 में कहां देखना चाहते हो। आपके माँ बाप, काविश फाउंडेशन या आपके यहाँ पे बैठे सब लोग, सिर्फ मुर्गी का, मुर्गी देखो जब अंडे पे बिठाते हैं उसको, तो मुर्गी क्या काम करती है, सिर्फ बैठ के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बाकी जो काम करना होता है वो बच्चे को, अंडे को अंदर से फोड़ना होता है, क्या करना होता है, अंडे को अंदर से फोड़ना होता है। अगर अंडा अंदर से फूटेगा तो उसमें से एक जिंदगी निकलेगी, अगर वो बाहर से फूटेगा तो उसका सिर्फ एक ऑमलेट बना सकते हैं या वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप समझ गए इस बात को तो समझ लेना, वरना सिर्फ ऑमलेट बना सकते हो, ठीक है। बस मैं इसी चीज पे अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, किया है सिर्फ रास्ते के लिए, ठीक है। उसका नाम है फ्री एकेडमी, क्या नाम है, फ्री एकेडमी। उस पे टॉपर जो है वो सिर्फ आपको रास्ता या गाइडेंस करते हैं, रिग्रस प्रिपरेशन आपको खुद ही करना होगी, रिजल्ट आप खुद ही लाओगे, ठीक है। लेकिन गाइडेंस के लिए अगर आपको लगता है कि कहां पे सर्च करना चाहिए तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कर सकते हो। हमें फेसबुक या व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे भी या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ी अच्छी मैसेज।